थैंक यू कलकत्ता, नमस्कार कलकत्ता। प्रभु कैसे हैं? हमें तुम्हारे भालोवासी कोलकाता। लो जी जो हमें तुम्हारे भालोवासी हमें तुम्हारे भालोवासी ना है। इधर बोलिए, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ। क्या कराना चाहते हैं? अचानक बुला लिया। और इस मंच के माध्यम से आपको आज एक छूट दी जा रही है जी। वो छूट यह है कि सामने हमारे मनोज तिवारी जी बैठे हुए हैं, उसके बाद में है दिनेश भैया, हमारे आम्रपाली जी हैं, इस कोने में चले तो अंजना सिंह, वन एंड ओनली स्वीटी छाबड़ा, एंड माय डार्लिंग पूनम दुबे, एंड माय डार्लिंग डायरेक्टर राजकुमार पांडे। आप ये क्या करना है? आपको ये करना है कि आप यहाँ से जाइए और आप जिस स्टार से, जिस हीरोइन से, जिस निर्माता, जिस निर्देशक से जो सवाल आपके मन में हो पूछिए, आज कोई बुरा नहीं मानेगा और जवाब सबको देना होगा, देना पड़ेगा। और साथ देने जा रहे हैं प्रकाश जी, नो डाउट। एक मिनट, प्रकाश जी को जैसे ही हमने नाम लिया एकदम ऐसे हो गए माने कौनो अगर राजकुमार जी से अगर कुछ उल्टा पूछ दिया तो अगली फिल्म से कट। अभय भैया से पूछ दिया तो अगली फिल्म से कट। भैया देखिए, ये एक मजाक है जो आप लोगों के साथ। खेसारी बाबू हमारे सामने बैठे हैं, खेसारी लाल यादव, उनसे पूछिए तो सोच समझ के पूछिए, कहा से कि बहुत फिल्म करा था ना, 12 महीना में 12 को फिल्म का अकेला रिकॉर्ड बा उनके नाम है, 12 को फिल्म से हाथ धो दे वो। अच्छा, ये एक साजिश है? साजिश नहीं है। आप लोग कुछ नहीं पूछना चाहते, हमको हमारा इस्तेमाल करें। आप लोग नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के सब सवाल करेंगे। खेसारी भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? ये रवि जी दिख नहीं रहे, रवि जी एक मिनट, जब सवाल करेंगे तब ना हम कहेंगे कि साईं कहा दें। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि पहला सवाल आप से होगा तो माइक पहले आप ले लिए हैं? हम ये चाह रहे हैं कि पहला सवाल हमारे से हो। जाओ, चलिए आ रहा हूँ। सवाल निकल नहीं पा रहा है, निकाली फिर भी निकालता हूं। नंबर गिनती करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 25, 40, जितनी फिल्में उतना चैन। जी नहीं, ये पब्लिक ने आशीर्वाद दिया है, वही सोना है। इतने चैन का राज क्या है? चैन का राज है कि मैं काम करता हूँ और स्टेज पे मुझे गिफ्ट मिलता है, खरीदा हुआ नहीं। इतने चैन पहन के आप चैन से कैसे जीते हैं? चैन से क्योंकि मैं पब्लिक का दिल में रहता हूँ, इसीलिए चैन से जीता हूँ। पब्लिक के दिल में रह के चैन से जी लेते हैं? नहीं तो छीनने वाले यही है। ये चैन पहनने की जरूरत क्या है? जब पब्लिक के दिल का चैन आपके दिल को सुकून देता है तो फिर ये चैन क्यों? इसलिए क्योंकि इनको दिखना चाहिए ना कि मेरा स्टार अपने आशीर्वाद लेकर यहाँ तक पहुँचा है। मतलब जो स्टार चैन नहीं पहनता वो स्टार नहीं है? जिस दिन भैंस पे चढ़ता था ना तो इनको समझ में नहीं थी, आज इन्होंने भैंस से डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ा दिया। अच्छा, चलिए इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। थैंक यू, लव यू। अरे स्वीटी, आई लव यू। माइक इनको लीजिए, स्वीटी जी।